Hello everyone, I am Harish, I welcome you all. I am back with some more conjunctions. तो देख लेते हैं वो conjunctions क्या है. तो सबसे पहली जो conjunction है वो है that और whether, जो कि use होती है English में की के लिए. That और whether, जिसका हिंदी मतलब है कि. इसको शुरू करें इससे पहले ये बताना जरूरी है कि that का use की के लिए होता है जब sentence में श्योरिटी होती है, जब कोई चीज श्योर होती है, पक्की होती है, निश्चित होती है. और वेदर का यूज होता है जब हम की का यूज, की के लिए वेदर को यूज करते हैं लेकिन सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी होती है, एक संभावना होती है. एग्जांपल के माध्यम से ये दोनों फर्क आपको क्लियर दिखाई देंगे. तो आइए एग्जांपल देखते हैं. ही नोज दैट आई विल गो, वह जानता है कि मैं जाऊंगा. तो ये बात पक्की है क्योंकि यहां पर हमने कंजंक्शन लगाई है दैट. दैट श्योरिटी बताती है कि उसको पता है. ही नोज दैट आई विल गो, वह जानता है कि मैं जाऊंगा, यानी ये बात पक्की है क्योंकि यहां पर यूज किया गया है दैट. अगला सेंटेंस है आई कैंट से वेदर इट विल रेन और नॉट, मैं कह नहीं सकता कि बारिश होगी या नहीं. तो ये संभावना है, इसमें श्योरिटी नहीं है. तो ये सेंटेंस में पता लग रहा है आई कैन से वेदर इट विल रेन और नॉट, मैं कह नहीं सकता कि बारिश होगी या नहीं. चलते हैं अगली कंजंक्शन की तरफ जो है प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड. इनके बीच में स्लैश का मतलब है जो कि पंक्चुएशन मार्क है. इसका मतलब है प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड, बात एक ही है. हम किसी भी सेंटेंस में चाहे प्रोवाइडिंग लिख दें चाहे प्रोवाइडेड लिख दें, इसका अर्थ हिंदी में यही आएगा. शर्त यह है कि या बशर्ते, इन दोनों में से कुछ कोई सी भी हम कंजंक्शन यूज करें इसका अर्थ यही होगा. शर्त यह है कि या बशर्ते, ये दोनों अर्थ निकलते हैं इन दोनों ही कंजंक्शन के. तो एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं. अब इसको एग्जांपल से पहले जिन सेंटेंसेस में कंजंक्शन प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड यूज किया गया होता है उसमें कोई ना कोई शर्त रखने की बात होती है. यानी प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड ऐसे वर्ड हैं जो हमें यह बताते हैं कि इस सेंटेंस में कोई शर्त रखी जा रही है. एग्जांपल देख लेते हैं. आई कैन प्ले विद यू प्रोवाइडिंग दैट यू विल नॉट चीट, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं बशर्ते तुम मेरे साथ कोई चीटिंग ना करो, किसी तरीके की धोखेबाजी ना करो. तो शर्त यह है कि मेरे साथ धोखेबाजी ना हो, कोई मेरे साथ धोखा ना करे, तुम मेरे साथ धोखा ना करो, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं, ये शर्त है. अगला एग्जांपल है ही विल मीट यू प्रोवाइडेड दैट हिज फादर परमिट्स हिम, ही विल मीट यू, वो तुम्हें मिलेगा लेकिन शर्त यह है कि या बशर्ते उसके पिताजी इसकी अनुमति दें, इसकी इजाजत दें. वो तुमसे मिलेगा, ही विल मीट यू प्रोवाइडेड दैट हिज फादर परमिट्स हिम, वो आपसे मिलेगा बशर्ते उसके पिताजी उसे मिलने की अनुमति दें. चलते हैं अगली कंजंक्शन की तरफ जो है सो हेंस दैट्स व्हाई दैट्स द रीजन. इन सब का मतलब निकलता है बीच में या के ये साइन लगे हुए हैं, स्लैश का मतलब या होता है इंग्लिश में. सो हेंस दैट्स व्हाई दैट्स द रीजन, इन सब का मतलब है इसलिए, हिंदी मतलब है इसका इसलिए. एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी इज सिक सो शी इज अनएबल टू वॉक, वह बीमार है इसलिए चलने में असमर्थ है. शी इज सिक, वह बीमार है, सो शी इज अनएबल टू वॉक, वह बीमार है इसलिए वह चलने में असमर्थ है, वह चलने से मजबूर है, नहीं चल पा रही है, तो असमर्थता जता रही है. अगला एग्जाम्पल है आई डू नॉट हैव योर फोन नंबर दैट्स व्हाई आई केम हियर, मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं है इसलिए मैं यहां पर आया हूं. कोई बात करनी है, नंबर नहीं है तो फोन नहीं था इसलिए मैं यहां पर आया हूं. तो इसमें इस तरीके के जो ये इसलिए वाले सेंटेंस होते हैं इनमें पहले पार्ट में कोई मजबूरी बताई गई होती है और बाद में उसका सॉल्यूशन बताया गया होता है. शी इज सिक सो शी इज अनएबल टू वॉक, आई डू नॉट हैव योर फोन नंबर दैट्स व्हाई आई हियर आई केम हियर, आई डू नॉट हैव योर फोन नंबर दैट्स व्हाई आई केम हियर. अब यहां पर यूज हुआ है सो,
यहां यूज हुआ है, दैट्स वाई, दोनों का मतलब इसलिए है, लेकिन सो दैट्स वाई, इसलिए के लिए आप इनमें से कोई भी, सो हैंस दैट्स वाई दैट्स द रीजन, कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसका मतलब इसलिए ही होगा। अगली कंजंक्शन है टिल, टिल का मतलब होता है तक, और इसका दूसरा मतलब है जब तक, टिल का मतलब तक भी है, टिल का मतलब जब तक भी है। एग्जाम्पल के माध्यम से ये दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें बात क्लियर हो जाएगी कहां पर तक है और कहां पर जब तक है। टिल, आई एम हेयर टिल 8 o'clock, मैं यहां पर 8 बजे तक हूं, तो यहां पर तक के लिए ये सेंटेंस बना है, तक का भाव आ रहा है यहां पर, तक का अर्थ आ रहा है इस सेंटेंस में, आई एम हेयर टिल 8 o'clock, मैं यहां पर 8 बजे तक हूं। अगला सेंटेंस है वेट देयर टिल आई कम, वहां इंतजार करो जब तक मैं आता हूं, तो यहां पर टिल का मतलब है जब तक, वेट देयर टिल आई कम, वहां इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। तो ये कुछ कंजंक्शंस थे, आई होप इससे आपको जानकारी मिली होगी और आपको ये पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।